नमस्कार दोस्तों बाथफेंडर पर आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे मनुस्मृति के बारे में साथ में ये जानने का प्रयास करेंगे कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने नाइनटीन में आजादी से लगभग बीस साल पहले मनुस्मृति को क्यों जलाया था इन सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे बट बिफोर वी गेट इन टू तो द सेशन आपके लिए क्वेश्चन है 1927 में किस आंदोलन के समय विच सत्याग्रह या कौन सा वो रिवोल्ट था जिसके समय मनुस्मृति को पहली बार जलाया गया उसको किस नाम से जाना जाता है अगर आपको आंसर पता है तो जरूर मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिखिएगा अगर नहीं पता है तो सेशन को अंत तक देखिए एंड यू विल गेट योर आंसर चलिए बात करते हैं कंट्रोवर्सी की जो हाल ही में मनुस्मृति को लेकर चल रही है कंट्रोवर्सी शुरू हुई जब जेएनयू की वाइस चांसलर ने रिसेंटली क्रिटिसाइज कर दिया मनुस्मृति को यह कहते हुए कि उस वो जेंडर बायस्ड है मतलब वो पुरुष और महिलाओं में बायसनेस करती है इस संबंध में पंडित ने कहा जो वाइस चांसलर है पंडित उन्होंने कहा कि मनुस्मृति ने महिलाओं को सभी महिलाओं को करेक्टराइस, करेक्टराइस किया है जो कि करना। दूसरी तरफ उन्होंने एक और इंसिडेंस का जिक्र यहां पर किया जो कि हाल ही में राजस्थान में हुआ जहां एक दलित बच्चे को इस वजह से पीट पीट कर मार दिया गया उसके टीचर के द्वारा क्योंकि उसने एक अपर कास्ट के टीचर के घड़े से पानी पी लिया तो किस तरह की सोसाइटी फ़िलहाल हमारी है या क्यों इस तरह के इंस्टेंसेस अभी भी हमारे देश में देखे जा रहे हैं और ये पहला इंस्टेंस नहीं है से बहुत सारे केसेस और भी पास्ट में हो चुके हैं और होते ही रहते हैं जहाँ पर हम जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन या कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को बहुत ज़्यादा क्लियरली देखते हैं इन अ सोसाइटी इन अ कंट्री विच हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ वेरी प्रोग्रेसिव और वो जो बात करता है इक्वालिटी की नॉन डिस्क्रिमिनेशन की अनटचिलिटी को अबॉलिश करने की जस्टिस की तो ये कहाँ तक जायज है चलिए ये जो रिमार्क थे मिस पंडित के वो आए जब वो एक डिलीवर कर रही थी की नोट एड्रेस एट बी आर अम्बेडकर लेक्चर सीरीज जो कि ऑर्गेनाइज की गई थी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा फर्दर अंबेडकर के लैंडमार्क एनिलेशन ऑफ कास्ट को रेफर करते हुए उन्होंने कहा कि जो कास्ट का एनिलेशन है ना ये बहुत ज्यादा जरूरी है मतलब कास्ट को खत्म करना इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अगर इंडियन सोसाइटी भारतीय समाज को बेहतरी करनी है तो बेहतर करना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये चीज और उन, उन्होंने आगे कहा रिमार्क दिया मतलब उन्हीं की एक कोर्ट अनकोर्ट स्टेटमेंट है कि उनको समझ में नहीं आता कि वाई पीपल आर सो इमोशनल विद द आइडेंटिटी ऑफ कास्ट जो कि बहुत डिस्क्रिमिनेटरी और बहुत अनईक्वल है आगे वो कहती हैं कि अभी इस समय जो स्थिति है वो ऐसी है कि हम किसी को मार भी सकते हैं जस्ट टू प्रोटेक्ट द सो कॉल्ड आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड आइडेंटिटी ऐसा उनके द्वारा कहा गया आज के सेशन में जानने का प्रयास करेंगे मनुस्मृति के बारे में क्या उसमें दिया गया है वो कॉन्ट्रोवर्सी क्या, क्या है उसके संबंध में और साथ ही जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने उसको क्यों जलाया इन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं पाथफा इंड के टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों आप मुझे अनअकेडमी ऐप पर भी फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी प्लस और लाइव स्पेशल क्लासेस के लिए एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है एनडी लाइव टेन अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन आपको बहुत सारे बेनिफिट्स तो देता ही है साथ ही आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में चलती है एंड दिस गिव्स यू द रिजल्ट नाउ अनअकेडमी अनलॉक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज आखिरी दिन है ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट अवेल करने का ऑन योर यूपीएससी सी एस सी सब्सक्रिप्शन यू जस्ट कोड एंड गेट योर सब्सक्रिप्शन ट्वेंटी परसेंट डिस्काउंट चलिए शुरुआत करते हैं मनुस्मृति को समझने की मनुस्मृति या मानव धर्मशास्त्र इसको मनुस्मृति भी कहा जाता है धर्मशास्त्र लिटरेटिश हिंदुज को तो एक तरह से हिंदू धर्म का या हिंदू धर्मशास्त्र की टेक्स्ट की तरह इसको हम देख सकते हैं इसको लिखा गया था कंपोज किया गया था बीसी एंड थर्ड सेंचुरी बीसी और इसमें जो लिखा गया है वो चैप्टर्स हैं अलग -ग, अलग -ग, अलग -ग, अलग श्लोक की फॉर्म में वो लिखे गए हैं है, उसमें कुछ कंटेंट दिया गया है जिसमें से कुछ कंट्रोवर्शियल श्लोक हम डिस्कस भी करेंगे टूवर्ड्स दी एंड यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो टेक्स्ट है ये एट्रीब्यूटेड है एक मिथिकल फिगर को फिगर ऑफ मनु को जिनको एनसिस्टर माना गया है ह्यूमन रेस ऑफ हिंदुजम का हिंदुज्म के एनसिस्टर की तरह उनको देखा जाता है ना इस टेक्स्ट को लेकर बहुत सारी डिबेट्स हैं अलग अलग ऑथर्स uh, के बीच में और स्कॉलर्स के बीच में जिसमें इंडोलॉजिस्ट पेट्रिक ओलिविन इंडोलॉजिस्ट कोई ऐसा व्यक्ति जो भारतीय संस्कृति सभ्यता हिस्ट्री को पढ़ता है ट्रेडिशंस को पढ़ता है उन्होंने अपनी जो, बुक है मनोज कोड ऑफ लॉ अ क्रिटिकल एडिशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ मानव धर्मशास्त्र 2005 में आर्ग्यू किया है कि मनुस्मृति क्या है एक यूनिक एक अनोखा और सिमिट्रिकल स्ट्रक्चर है अलग तरह का स्ट्रक्चर है इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी एक गिफ्टेड इंडिविजुअल के द्वारा लिखा गया है या तो किसी एक व्यक्ति ने इसको लिखा है या फिर ये किसी स्ट्रॉन्ग चेयरमैन ऑफ अ कमिटी के द्वारा दूसरों की मदद से लिखा गया है मतलब किसी पावरफुल व्यक्ति ने इसको लिखा है इस तरह का ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है नाउ ये टेक्स्ट एक्चुअली किस बारे में है तो अगर मनुस्मृति का स्कोप देखें मनुस्मृति, मनुस्मृति की एक्सटेंट देखें तो इट कैन बी ट्रीटेड एज एन एनसाइक्लोपीडिया क्योंकि ये समाज के लगभग हर क्षेत्र को डिस्कस करता है उसके बारे में बात करती है करती है ये टेक्स्ट हर सब्जेक्ट को कवर करती है जैसे कि सोशल ऑब्लिगेशन और ड्यूटीज क्या होनी चाहिए अलग अलग धर्मों की अलग 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 जातियों की सॉरी नॉट धर्म अलग अलग जातियों की अलग अलग लोगों की उनकी लाइफ में मतलब अगर कोई ब्राह्मण है तो उसकी क्या जिम्मेदारी है कोई शूद्र है तो उसकी क्या जिम्मेदारी है वैश्य है वर्ण सिस्टम है ना उसको बेसिकली डिफाइन किया गया उनके ड्यूटीज ऑब्लिगेशन को भी डिफाइन किया गया है साथ में स्यूटेबल सोशल सेक्शुअल रिलेशन की बात भी की गई है मैन और वेमेन की अलग अलग कास्ट के द्वारा जहां पर काफी डिस्क्रिमिनेटरी चीजें यहां पर बोली गई हैं फॉर वेमेन अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट वुमेन को लेकर जिसके बारे में यहां पर अभी नहीं बात करेंगे टूवर्ड श्लोक जरूर पढ़ेंगे लेकिन इसके अलावा टैक्सेस को लेकर ये बात करती है रूल्स ऑफ किनशिप मतलब शासन के क्या नियम है उसके बारे में भी बात की गई है इसमें साथ साथ मैरिटल हारमोनी को मेंटेन करने के लिए क्या किया जाना चाहिए उसके बारे में बात करती है और जो भी जो रोजमर्रा के डिस्प्यूट है उनको कैसे सेटल किया जाएगा इन सब के बारे में भी मनुस्मृति में दिया गया है तो आप ये देखिए किसी किसी एक life, किसी एक लाइफ इंडिविजुअल की लाइफ के जो भी एस्पेक्ट्स हैं उन सभी को यह कवर करती है अलोंग विद दी रूल रूलिंग या किनशिप के क्या नियम होंगे उसको भी उस पर भी बात करती है टैक्सेशन पर भी बात करती है ठीक है वहीं वेंडी और स्मिथ के द्वारा लॉज ऑफ मनु 1991 में कहा गया कि भाई इसका कोर जो है ना मनुस्मृति का अगर इसकी एनसाइक्लोपीडिया तो हमने बोल दिया लेकिन अगर इसका कोर देखें क्रक्स देखें तो क्रक्स क्या है क्रक्स है कि लाइफ कैसे जीनी चाहिए दुनिया में उसके बारे में बात यहां पर की गई है एट द कोर ऑफ इट जैसे अभी कैसे जी जा रही है रियालिटी में लेकिन कैसे जी जानी चाहिए अभी कैसे है लेकिन कैसे होनी चाहिए आइडली इसके बारे में बात करती है साथ में ये भी आर्ग्यू करते हैं कि जो टेक्स्ट है वो मेजरली धर्म के बारे में है जिसका मतलब है जिम्मेदारी ड्यूटी रिलीजन लॉ एंड प्रैक्टिस इसके साथ साथ अकॉर्डिंग टू स्मिथ एंड वेंडी ये डिस्कस करती है अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ अर्थशास्त्र जैसे कि जो भी स्टेट क्राफ्ट के मतलब जैसे गवर्नेंस चलेगी उसके जो भी इश्यूज हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया है या लीगल प्रोसीजर्स कैसे होंगे इन सभी चीजों के बारे में भी इसमें कहा गया है चलिए इसका सिग्निफिकेंस अगर हम देखें अगर जानना चाहें कि भाई इसकी रेलेवेंस क्यों है या क्यों आवश्यक है ये तो मैं आपको बता दूं कि ड्यूरिंग कोलोनियल एरा 1972 हाँ, 1772 Warren समय पर भी, इस भी टेक्स्ट को रेफर किया जाता था हिंदू लॉ की तरफ और उसको इंप्लीमेंट करने का प्रयास भी किया गया है बाय द कोलोनियल रूलर्स वहीं जो भी यूरोपियन ओरिस्ट हैं वो कंसिडर करते हैं मनुस्मृति को एक ग्रेट हिस्टोरिकल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस कि उसकी एक ऐतिहासिक तो मतलब एक महत्ता है ही है धार्मिक महत्ता भी बहुत ज्यादा है पहली बार इस संस्कृत टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया गया था यूरोपियन लैंग्वेज में ब्रिटिश फिलोलॉजिस्ट सर विलियम जॉन्स के द्वारा 1794 में तो इसका मतलब ट्रांसलेशन भी किया गया है यूरोपियन भाषा में तो ये पहली बार अंग्रेजी में ट्रांसलेट की गई सर विलियम जॉन्स के द्वारा सेवनटीन में उसके बाद इसको ट्रांसलेट किया गया फ्रेंच जर्मन पॉर्चुगीज और रशियन में भी इन सभी भाषाओं में ट्रांसलेशन तो किया गया साथ मैक्स साथ मुलर का जो एक एडिटेड वॉल्यूम है सेक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट इन एटीन इसमें भी इसको इंक्लूड किया गया है तो मतलब काफी ज्यादा इसका वर्ल्ड वाइड हम कह सकते हैं कि रेलेवेंस या सिग्निफिकेंस देखा जाता है क्योंकि इसको ना केवल ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से महत्वपूर्ण टेक्स माना जाता है लेकिन धार्मिक हिंदू धर्म धर्मशास्त्र के लिए भी महत्वपूर्ण देखा गया है अब बात करते हैं इसकी कॉन्ट्रोवर्सी को लेके कि ये किताब इतनी टेक्स्ट इतनी कॉन्ट्रोवर्शियल क्यों है अगर इस बुक को हमें डिवाइड करना है तो मेजरली ये चार भागों में इसका डिविजन होता है सबसे पहला भाग है क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड दुनिया का क्रिएशन कैसा हुआ उसके बारे में बात करती है दूसरा है सोर्सेज ऑफ धर्म धर्म के क्या क्या सोर्सेज हैं तीसरा और सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल जो भाग है वो कहता है धर्म ऑफ उनका क्या क्या उद्धर्म क्या क्या उनका उद्देश्य है क्या क्या उनको करना चाहिए लॉ है रीबर्थ का क्या है जो चक्र होता है और फाइनल लिबरेट कैसे होता है व्यक्ति इन सभी चीजों के बारे में इसमें बात की गई है तो मेजरली इसको चार डिविजन इसको दिए गए हैं इसके जिसमें सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल सबसे लंबा जो सेक्शन है दैट इज थर्ड सेक्शन और सबसे इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये टेक्स्ट डीपली कंसर्न विद मेंटेनिंग मतलब ये व्यवस्था में जो हरारकी है उसको मेंटेन करने के लिए सारे प्रोविजंस की बात करता है वो कैसे जो ड्यूटीज हैं ऑब्लीगेशन है वो क्या क्या है वर्ण के आधार पर जो चार वर्ण दिए गए हैं उनके आधार पर वर्ण कौन कौन से होते हैं ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय या क्षत्रिय वैश्यन शूद्र ठीक है इन्हीं के बारे में डिटेल में बात की गई है और रूल्स दिए गए हैं कि हर कास्ट को फॉलो करने हैं ये रूल्स मतलब इनको एक तरह से लिख कर दे दिया गया है कि आपको ये फॉलो ही करना है अगर आप इस इस वर्ण के हैं तो नाउ ब्राह्मण इन दिस टेक्स्ट इज दिसम टू बी द परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ह्यूमन रेस यहाँ पे ब्राह्मण को ह्यूमन रेस के परफेक्ट रिप्रेजेंटेटिव की संज्ञा दी गई है और उनको सबसे ऊपर रखा गया है हिरारकी में उसके बाद क्षत्रिय उसके बाद वैश्य और सबसे नीचे शूद्र ठीक है उद्र शूद्र शूद्र जिनको रेलीगेटेड टू द बॉटम ऑफ ऑर्डर दरारकी में सबसे नीचे आते हैं उनकी जो जिम्मेदारी है इकलौता जिम्मेदारी इकलौती ड्यूटी जो उनको दी गई है वो क्या दी गई है कि आपको अपर कास्ट को सर्व करना है वो केवल अपर कास्ट को सर्व करने की उनकी जिम्मेदारी है यहां पर कुछ ऐसे वर्सेस हैं जो बहुत ज्यादा प्रेजिशल सेंटिमेंट्स लेकर आते हैं मतलब बहुत प्रेजिस्ट हैं बहुत ज्यादा एक तरह से हम कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेटरी हैं अगेंस्ट वीमेन ऑन द बेसिस ऑफ देयर बर्थ महिला जन्म के आधार पर ही उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है इसमें कौन से वर्सेज हैं जिनको कॉन्ट्रोवर्शियल माना जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट वन टू डिस्कस विद यू दिस इज चैप्टर एट श्लोक ट्वेंटी वन ये कहता है कि अगर शूद्र इंटरप्रेट करता है लॉ ऑफ अ किंग, अगर कोई शूद्र राजा के लॉ को इंटरप्रेट करता है तो उसके रियल सिंग्स लाइक अ काउ इन दी मठ मतलब उसको बिल्कुल गाय जिस तरह से हो जाती है ना गंदगी से आइडेंटिफाई किया गया है एज ही लुक्स ऑन हेल्पलेसली क्योंकि वो कर ही नहीं सकता है ऐसा ऐसा कहा गया है चैप्टर एट का श्लोक वन ट्वेंटी कहता है कि अगर कोई केपेबल शूद्र भी है मतलब कोई पढ़ा लिखा शुद्र भी है तो उसको भी अक्यूमुलेट नहीं करनी है वेल्थ वेल्थ वो भी को अक्यूमुलेट नहीं कर सकता है क्योंकि अगर शूद्र वेल्दी हो जाएंगे तो वो ब्राह्मण्स को हैरस करेंगे तो अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ फॉर डिनाइड इसके साथ साथ चैप्टर एट का ही श्लोक थ्री सेवेंटी वन क्या कहता है कि जब भी महिला अनफेथफुल हो जाए अपने हस्बैंड के लिए मतलब यहाँ पर यहां पर सेक्सुअल रिलेशनशिप की बात की जा रही है मैरिटल हारमोनी की बात यहां पर की गई है तो ऐसी स्थिति में राजा को उसको डिवर कर देना है मतलब कुत्तों के सामने फेंक देना है इन पब्लिक स्क्वेर बहुत सारे कुत्तों के समक्ष उसको फेंक देना है अगर वह ऐसा करती है तो ये कहा गया यहाँ पे मेन बीइंग अनफेथफुल की बात नहीं की गई है मैं आपको क्लियरली बता दू उसके बाद आगे चैप्टर फाइव श्लोक वन फोर्टी एट कहता है कि कोई महिला जब वो पैदा होती है तो उसको अपने फादर के कंट्रोल में रहना चाहिए उसके बाद जब वो जवान होती है तो अपने पति के कंट्रोल में और जब वो बुजुर्ग हो जाती है उसका हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो उसको अपने बेटों के कंट्रोल में रहना चाहिए उसको कभी भी स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए शुड नेवर नेव लिव इंडिपेंडेंटली वो कभी भी स्वतंत्र नहीं जी सकती है हमेशा किसी ना किसी के कंट्रोल में जिएगी चैप्टर टू श्लोक तेरा मत दिस इज बाय फार द मोस्ट आई मीन आई डोंट नो व्हाट टू से हियर इट इज द वेरी नेचर ऑफ विमेन हेयर टू करप्ट मेन महिलाओं का ये नेचर बता दिया गया है कि बाय मतलब बाय नेचर ओनली फीमेल्स आर हेयर टू करप्ट मेन ऐसे में ऑन दैट अकाउंट प्रूडेंट मैन आर नेवर ऑफ गार्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्योरिंग यंग विमेन मतलब महिलाओं का जो एक

मनुस्मृति को बर्न कर दिया था जला दिया था एज अ सिंबल ऑफ रिजेक्शन ऑफ द रिलीजियस बेसिस ऑफ अनबिलिटी धर्म के आधार पर जाति के आधार पर जो अन का बेसिस था उसको रिजेक्ट करने के लिए ये इवेंट अरेंज किया गया था ड्यूरिंग महाड़ सत्याग्रह महाराष्ट्र का एक रीजन है वहां पर महाड़ एक जगह है वहां पर यह सत्याग्रह हुआ था जिसका उद्देश्य था दलितों के अधिकारों के लिए लड़ना ताकि उनको एक्सेस मिल सके पब्लिक वाटर का पीने के पानी का और वो अपना जीवन यापन कर सके ह्यूमैनिटी और डिग्निटी के साथ जो कि उनको डिनाइड था ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल एंड जो अभी हमने केस शुरुआत में देखा शायद अभी भी दर लॉट ऑफ केसेस लॉट ऑफ प्लेसेस जहां पर बेसिक लेवल ऑफ सोशल इक्वालिटी इज डिनाइड बिकॉज अ पर्सन बिलोंग्स टू सर्टन कास्ट वॉट डू यू फील अबाउट इट मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ऑल्सो You to give me an answer कि पहले वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने दलित राइट्स के लिए आंदोलन करना शुरू किया था या फिर निचली जाति के लिए आंदोलन करना शुरू किया था उनको अधिकार दिलाने के लिए ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे ठीक है चलिए बिफोर वी वाइंड अप गाइस फिजिकल notes अब केवल आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर मिलेंगे लेकिन अगर आप आज यानी छब्बीस अगस्त तक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको प्लस प्लस कॉम्बो पर भी ये मिल सकते हैं आपको मेरा कोड यूज करना है एंडी लाइफ टेन पच्चीस तारीख से बैचेस शुरू हो गए हैं हमारे नए सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको प्लेटफॉर्म पर जाकर सिर्फ मेरा कोड यूज करना है टू तो अवेल द बेस्ट डिस्काउंट अवेलेबल जीरो परसेंट ई के साथ लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है वो भी आप अवेल कर सकते हैं सीएससी श्योर दो साल या उससे ऊपर के किसी भी सब्सक्रिप्शन पर आपको एक साल का एक्सटेंशन एक एक ऑन अकेडमी देगा अगर आपने रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है सी एस सी कॉम्बैट अट्ठाईस अगस्त को होने वाला है जहां पर आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है आपकी प्रिपरेशन के लिए

तो जरूर मुझे लिख के बताइएगा आप क्या सोचते हैं इसके बारे में डोंट फरगेट टू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर टू द चैनल लाइक एंड शेयर द वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा आई रियली दिस वीडियो टू रीच टू द मैक्सिमम पीपल एंड पीपल शुड अंडरस्टैंड द मॉडर्न डेमोक्रेसीज दे शुड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दे शुड देडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड अनबिलिटी अबॉलिशन एक्ट सेट फ्रॉम माई साइड थैंक यू सो मच